नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो रश्मि देसाई को लेके करते हैं बात, क्योंकि कल हमने देखा कि रश्मि देसाई ने अब शुरू कर दी है खुलेआम अपनी गेम खेलना। क्यों? क्योंकि उनके गुरु जो है उनको वापस मिल गए हैं, वापस से उन्होंने अपनी गाइडेंस देनी शुरू कर दी है। तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, मगर पहले कीजिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। दोस्तों आपको याद होगा कि जब रश्मि पहले घर में थी और उसके बाद जब बाहर गई है फिर से वापस घर में आई है, तो दोनों चीजों में एक सिमिलैरिटी मुझे दिखाई थी जिसकी बात करती हूँ मैं, कि जब रश्मि पहले थी घर में और तब भी वो पारस के साथ थी, मतलब एक जो हमने स्पेशल सीन देखा था जिसको सलमान खान ने भी डिस्कस किया था वीकेंड का वार में, वो था जब पारस और रश्मि शुक्ला को लेके बात कर रहे हैं कि कैसे शुक्ला को प्रवोक कर करके उसको एक्सपोज किया जाए, कैसे उसके असली रंग लोगों तक लाके दिखाए जाएं। तो वो चीज आपस में डिस्कस करते हैं और पारस उसको बताता है कि ऐसे करो और हम ऐसे करेंगे उसको, मतलब वो सारी चीजें वो डिस्कस करते हैं। और उसके बाद फिर जब सलमान खान उनकी पोल खोल देते हैं तो फिर वो इस चीज से थोड़ा सा हट जाते हैं, यानी कि डिस्कशन उनकी बंद हो जाती है। मगर कल हमने एपिसोड में देखा कि पारस और रश्मि फिर से बात कर रहे हैं, मगर इस बार मुझे खुशी इस बात की हुई कि बात शुक्ला की नहीं हो रही है, बात सिर्फ रश्मि की हो रही है। और रश्मि जो पारस से बात कर रही है और पारस उसको बोलता है कि अरहान आया है, तो मतलब उस सॉर्ट ऑफ ऐसी कुछ बात होती है और बोलते हैं कि तुम लोग जो करना चाहते हो वो करो। तो रश्मि का कहना कि अगर मैं करूंगी तो सारे कैमरास मेरे ऊपर आ जाएंगे, तो पारस का कहना कि यही तो है, यही तो बिग बॉस है, सारे कैमरास की अटेंशन अपनी तरफ खींचना, और तुम तो खींच सकती हो, तुम्हारे साथ तो अरहान है। तो ये बात रश्मि उस टाइम पे तो सुनती है बस और सुन के निकल लेती है, मगर रश्मि देसाई को ये बात अब समझ में आ गई है। जबकि हमने देखा भी है कि जब अरहान आए हैं घर में अंदर और उसके बाद रश्मि की री एंट्री हुई है, तो रश्मि और अरहान के काफी सारे सीन्स हमें दिखाई दिए गए हैं, मगर वो सीन ऐसे नहीं है कि जो वापस से रश्मि को ये हम लोगों तक पहुंचा सके कि हाँ रश्मि गेम में बनी हुई है। रश्मि ने कोशिश की है मगर अरहान ने वैसी कोशिश अभी तक नहीं की है, तो अब वही कोशिश रश्मि ने एक तरह से फिर से पूरे जोर शोर से शुरू की है। और कल हमने इसका एक एग्जाम्पल देखा कि पहले रश्मि गुस्सा होती है जो कि नकली लग रहा था, माफ कीजिएगा वो एक्चुअली गेम का हिस्सा है तो वो करना ही है, वो गुस्सा होती है चली जाती है, फिर वापस आके रहान को एक बहुत ही बढ़िया वाला किस देती है। तो मुझे, मैं आपको सही बताऊं, मुझे अच्छा लगा कि अगर यही गेम है बिग बॉस की, अगर रश्मि देसाई को इसी तरह से अपने रिलेशनशिप को लाना है सामने, तो इट इज गुड, वो कम से कम कुछ अलग तो करेगी शुक्ला के अलावा। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कल के उसमें, तो मुझे ये भी लगा कि अगर इसी तरह से और अलग चीजें करके रश्मि अपनी पहचान सबके सामने लेके आती है, रश्मि क्या है वो लेके आती है, तो रश्मि के चांसेस हो सकते हैं टॉप थ्री में जाने के। तो ये मुझे लगा, आप बताइएगा कि आपको कैसे लगा कि रश्मि वाकई में अब अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी गेम की तरफ लगाने वाली है, और पारस गुरु उनकी कितनी हेल्प करने वाले इस सारे में, और पारस का इस सब में क्या इंटरेस्ट है। ये पूरी की पूरी जानकारी आप भी अपनी तरफ से बटोरिए और फिर शेयर कीजिए कमेंट के जरिए, और बताइए कि ये पारस गुरु और रश्मि चेले, जो चेला गुरु का जो रिलेशनशिप शुरू हुआ है, ये कहां तक कामयाब होता है। कमेंट कीजिए और देखते रहे चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।